हेलो बच्चों, सो लेट्स सी द क्वेश्चन। एंड द क्वेश्चन सेज दैट अ डिवाइस कॉल्ड ऑसिलेटर इज यूज टू सेंड वेव्स अलोंग अ स्ट्रेच स्प्रिंग ना स्ट्रेच स्ट्रिंग। द स्ट्रिंग इज 20 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड फोर कंप्लीट वेव्स फिट अलोंग इट्स लेंथ। व्हेन द ऑसिलेटर वाइब्रेट 30 टाइम्स पर सेकेंड फॉर द वेव्स ऑन द स्ट्रिंग, फाइंड वॉट इज द वेव लेंथ, देयर फ्रिक्वेंसी एंड द स्पीड। ओके बच्चों, सो हमें यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है बच्चों। द क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द ऑसिलेटर। ठीक है, तो ऑसिलेटर से रिलेटेड चीज़ें हमें क्या दी हुई है, हमें स्ट्रिंग दी हुई है जिसकी लेंथ है 20 सेंटीमीटर लॉन्ग। ओके, और यहाँ पर आपको दे रखा है फोर कंप्लीट वेव्स। ओके, दैट मीन्स हियर वी हैव नंबर ऑफ साइकिल्स दैट इज इक्वल्स टू फोर। ओके, व्हेन द ऑसिलेटर वाइब्रेट्स 30 टाइम्स पर सेकेंड। ऑसिलेटर वाइब्रेट्स होता है इस रेट से, दैट इज 30 टाइम्स पर सेकेंड। ओके, फॉर द वेव ऑन द स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग पर जो वेव है उसके लिए हमें क्या करना है बच्चों, वेव लेंथ, फ्रिक्वेंसी और स्पीड को फाइंड आउट करना है। तो चलिए बच्चों बात करते हैं सबसे पहले पार्ट ए की। ओके, तो देखिए पार्ट ए के लिए जो की कंसेप्ट होगा सबसे पहले बच्चों हम उसकी बात कर लेते हैं। सो हेयर द की कंसेप्ट फॉर द पार्ट ए। देखिएगा बच्चों हमसे पूछा क्या गया है, वेवलेंथ के बारे में यहाँ पर हमसे पूछा गया है। ओके, सो फर्स्ट यू हैव टू नो अबाउट द रिलेशन ऑफ एल एन एंड वेवलेंथ। ओके, सो देखिए मैं यहाँ पर वेवलेंथ लैम्डा से रिप्रेजेंट करूंगा। ओके, सो वेवलेंथ को बच्चों लेंथ के टर्म्स में और एन के टर्म्स में कैसे डिफाइन करते हैं, दैट इज द की कंसेप्ट हियर। सो लैम्डा इक्वल्स टू एल अपॉन एन। ओके, सो हियर द की कंसेप्ट इज द फॉर्मूला ऑफ द वेवलेंथ। देखिए मैं आगे इसको एक्सप्लेन करता हूँ। चलिए गिवन डेटा हमें यहाँ पर क्या गिवन है बच्चों, उससे आपको यहाँ पर बातें समझ में आने लगेगी। तो सबसे पहले यहाँ देखिए द स्ट्रिंग इज 20 सेंटीमीटर लॉन्ग, दैट मीन्स द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज 20 सेंटीमीटर। ओके, एंड कंप्लीट वेव्स कितना है, दे आर फोर कंप्लीट वेव्स, दैट मीन्स हियर एन। एन को रिप्रेजेंट करने के लिए बच्चों बेसिकली नंबर ऑफ साइकिल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एन रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर, और नंबर ऑफ साइकिल्स हमारे पास कितना है, दैट इज इक्वल्स टू 0.4। की कंसेप्ट मैंने आपको बताया है कि वेवलेंथ का एल और एन के टर्म्स में रिलेशन। सो यहाँ पर लैम्डा आपको फाइंड आउट करना है। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लैम्डा, एल दैट इज 20 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ साइकिल दैट इज 4, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 5 सेंटीमीटर। तो देखिए वेवलेंथ का वैल्यू हमारे पास 5 सेंटीमीटर आ गया है। आप इसको 5 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं, बट आप चाहें तो इसको मीटर में भी कन्वर्ट कर दीजिए, दैट इज इक्वल्स टू 0.05 मीटर्स। ओके, सो ये हमारा क्या है, फर्स्ट पार्ट का आंसर है बच्चों। ओके, चलिए अब बात करते हैं इसके सेकंड वाले सेक्शन की। तो सेकंड वाले सेक्शन में हमें पूछा गया है बेटा फ्रिक्वेंसी। देखिए यहाँ पर हमें क्या पूछा गया है, फ्रिक्वेंसी पूछा गया है। तो चलिए फ्रीक्वेंसी के बारे में भी हम बात कर लेते हैं। अगेन बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर बी पार्ट के लिए, क्वेश्चन नंबर ये जो है देखिए वो नहीं पता क्वेश्चन नंबर, बट इसका पार्ट बी है। सो की कंसेप्ट फॉर पार्ट बी। अब देखिए फ्रीक्वेंसी आपसे पूछा गया है, तो देखिए फ्रीक्वेंसी का रिलेशन में यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ बच्चों। सो फ्रीक्वेंसी दैट इज इक्वल्स टू द वाइब्रेशंस, that is equals to vibrations into number of cycles, vibration into number of cycles। देखिए जो given data है बच्चों उसी के हिसाब से आपको यहाँ पर answer अपना तैयार करना है। ठीक है, अब देखिए आपको given data में यहाँ पर again क्या vibrations दे रखा है, exactly they are 30 times per second, the oscillator vibrates 30 times per second, तो देखिए vibration आपको यहाँ पर दे रखा है। so here the vibration is, देखिए मैं यहाँ लिख देता हूँ given data में जो वाइब्रेशन का वैल्यू है, द वाइब्रेशंस दैट इज इक्वल्स टू 30 टाइम्स पर सेकंड एंड नंबर ऑफ साइकल्स जिसको हमने आगे भी यूज किया है, हियर नंबर ऑफ साइकल्स दैट इज इक्वल्स टू 0.4। ओके, सो यहां पर आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी है। देखिए फ्रीक्वेंसी को मैं स्मॉल एफ से यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा हूं, सो स्मॉल एफ कितना आ जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू 30 मल्टीप्लाइड बाय 4। ओके, दैट इज 120 हर्ट्ज। बच्चों दैट इज आवर फ्रिक्वेंसी, यही हमारी फ्रिक्वेंसी है और यही जो है पार्ट बी का आंसर है।
ओके चलिए, पार्ट ए फिनिश हो गया, बी भी फिनिश हो गया। अब आपसे थर्ड पार्ट में क्या पूछा जा रहा है, व्हाट इज देयर स्पीड। तो थर्ड पार्ट भी अच्छा हम सॉल्व कर लेते हैं, व्हाट इज द स्पीड। चलिए सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर हम की कंसेप्ट की। सो की कंसेप्ट सी वाले सेक्शन के लिए बच्चों हम क्या लगाएंगे, आप देखिएगा जरा। तो बच्चों यहाँ पर आपके पास बेसिकली आपको स्पीड फाइंड आउट करना है, आपके पास वेवलेंथ है और आपके पास फ्रिक्वेंसी है। सो हेयर की कंसेप्ट इज द रिलेशन रिलेशन बिटवीन, एफ से रिप्रेजेंट करते हैं फ्रिक्वेंसी को, लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं हम यहाँ पर वेवलेंथ को, और देखिए स्पीड को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ बच्चों मैं यहाँ पर वी से, ठीक है। सो हेयर वी इज द स्पीड, ओके, और यही हमें फाइंड आउट करना है बच्चों। तो देखिए क्या रिलेशन होता है यहाँ पर इन तीनों के बीच में, तो आपको पता है बच्चों जो फ्रिक्वेंसी होती है, दैट फ्रिक्वेंसी इक्वल्स टू स्पीड अपॉन वेवलेंथ, ठीक है। बट मेरे को यहाँ पर फाइंड आउट क्या करना है, यहाँ पर मेरे को स्पीड फाइंड आउट करना है। तो जरा इसको फॉर्मूले को अपन क्या कर सकते हैं, इस फॉर्मूले को मॉडिफाइड कर सकते हैं बच्चों किस तरह से। सो वी इक्वल्स टू फ्रिक्वेंसी इन टू वेवलेंथ, तो यहाँ से स्पीड हमारे पास आ जाएगा। देखिए फ्रिक्वेंसी हमने सेकेंड वाले सेक्शन में निकाला है, दैट इज 120 हर्ट्ज़, तो मैं फ्रिक्वेंसी यहाँ पर क्या लिखूंगा, 120 हर्ट्ज़। और देखिए लैम्डा भी हम निकाल चुके हैं, दैट लैम्डा इक्वल्स टू 0.05 मीटर, ठीक है। तो देखिए लैम्डा में मैं 0.05 मीटर यहाँ पर रख देता हूँ। चलिए बच्चों अब इजी सा कैलकुलेशन है, हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 0.05 को बच्चों मैं यहाँ लिख रहा हूँ 5/100, एक जीरो से एक जीरो यहाँ पर आप कैंसिल आउट कर सकते हैं, 5 से 10 टू टाइम्स कैंसिल आउट, एंड देन अगेन 12 6 टाइम कैंसिल आउट। तो यहाँ पर जो फाइनल हमारे पास स्पीड आएगा बच्चों को, स्पीड का वैल्यू क्या होगा, दैट इज 6 मीटर पर सेकेंड, एंड दैट इज आर आंसर, ओके। सो बच्चों यहाँ पर हमने इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग की कंसेप्ट देते हुए, ठीक है, तीनों क्वेश्चंस के आंसर दे दिए, ओके। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू सो मच बच्चों।